धोनी का कल्याण मोदी जी के हाथ से, भगवान विष्णु साक्षात इस स्थान पर पधारे हैं, ये मनुष्य नहीं कह सकता, ये कोई राक्षस ही कह सकता है। और मोदी जी में ईश्वर वास करे और हम सब मोदी जी के रास्ते पर चल कर, इसलिए ये मनुष्य के भेष में राक्षस है, ये सोच राक्षसी सोच है जो कहता है कि पोटेशियम साइनाइड है रामचरितमानस। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे थे। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर वो बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे। वहीं पर उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव को राक्षस कहा। दरअसल उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार के शिक्षा मंत्री जिस तरह का सनातन धर्म पर गलत बयान देते हैं वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बातों को सुनिए। करते थे और फिर भगवान का अवतार होता था, उन राक्षसों का वध होता था। और ये तो हरिहरनाथ महादेव का मंदिर है, यहाँ से तो ऐसी ऐसी चीजें जुड़ी हुई है, गजग्रह की लड़ाई जुड़ी हुई है, भगवान विष्णु साक्षात इस स्थान पर पधारे हैं। तो इस जगह पर अगर हम लोग आए हैं तो निश्चित रूप से हम 84 लाख जोनी का कल्याण मोदी जी के हाथ से, और मोदी जी में ईश्वर वास करे और हम सब मोदी जी के रास्ते पर चल करके शिक्षा मंत्री को आप अखंड भारत का निर्माण, शिक्षा मंत्री को आप राक्षस बता रहे हैं, मतलब ये सोच राक्षसी सोच है जो कहता है कि पोटेशियम साइनाइड है रामचरितमानस, ये मनुष्य नहीं कह सकता, ये कोई राक्षस ही कह सकता है। और इसलिए ये मनुष्य के भेष में राक्षस है और इसका चेहरा सामने आ गया है सबके, और ये पोटेशियम साइनाइड जो ये रामचरितमानस को कह रहा है, ऐसे शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और हिंदुत्व का जो ढोंग बना करके लालू जी और नीतीश जी के साथ ये व्यक्ति खड़ा है, इसको डिक्लेयर करके मुसलमान हो जाना चाहिए और साथ में इसको मक्का मदीना चला जाना चाहिए, क्योंकि भारत की धरती पर कोई मुसलमान भी रामचरितमानस के बारे में ऐसा नहीं बोलता। जैसा कि मिथिलेश तिवारी का साफ तौर पर कहना है कि बिहार के शिक्षा मंत्री राक्षस हैं, क्योंकि जिस तरह से वो पोटेशियम साइनाइड को रामचरितमानस से जोड़ते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो अक्सर सनातन धर्म पर गलत बयानबाजी करते रहते हैं। इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि उनको मुसलमान धर्म अपना लेना चाहिए। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।